हेलो एवरीवन, आज के सेशन में हम विश्व की कृषि को कवर करने वाले हैं। इससे पहले कल के सेशन में हम लोगों ने भारत की कृषि के बारे में बहुत अच्छी तरीके से समझा पढ़ा, पूरी बेसिक चीज़ें आप सभी का कवर हो गया होगा भारत की कृषि से संबंधित। अब भारत की कृषि से संबंधित सारे प्रश्नों को कल कवर किया गया है। कल के सेशन में भारत की कृषि और पशुपालन से संबंधित जितने भी चीज़ें होती हैं, जितने भी प्रश्न बनते हैं, जितनी भी जानकारी चाहिए, वो सारे कल के सेशन में आप सभी को मिल चुका है। और करेंट अफेयर्स से मैं अपडेट करके और भी वीडियो लेकर के आऊँगी, जिससे कि आपका पूरी तरीके से एक एग्रीकल्चर का जो टॉपिक होगा ना, वो पूरी तरीके से आपका कवर हो जाएगा। आज के सेशन में आप विश्व की कृषि के बारे में बहुत अच्छी तरीके से समझने वाले हैं, और जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही चीज़ें मैं कवर करा रही हूँ। मतलब जिस मटेरियल से मैं कवर करा रही हूँ, इसमें एग्रीकल्चर में जितनी चीज़ें ज़रूरत होती है, बस उतनी ही चीज़ें बताई गई है, उतने ही आंकड़े आपको पढ़ने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, और ये सभी परीक्षाओं के लिए, प्री के लिए भी और बहुत हद तक मेंस के लिए भी आपके लिए यूज़फुल होगा ये। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्दों एगर और एग्री, एगर और एग्री यानी एगर मींस मृदा और कल्चर यानी कृषि कल्टीवेशन से हुआ है। दो शब्दों से उत्पत्ति हुई है जो कि लैटिन का शब्द है, एगर और एग्री यानी मृदा और कल्चर। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जिसमें कि भू संसाधनों का इष्टतम उपयोग करते हुए फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों आदि को उगाने तथा पशुपालन को शामिल किया जाता है। विश्व के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक दशाएं कृषि कार्य को प्रभावित करती है एवं इसी आधार पर विभिन्न कृषि प्रणालियां देखी जाती हैं। अब आगे जानेंगे टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर यानी कृषि कितने प्रकार की हैं। तो कृषि को दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है, पहला निर्वाह कृषि और दूसरा वाणिज्यिक कृषि। सबसे पहले जानिए निर्वाह कृषि के बारे में। निर्वाह कृषि यानी सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। तो ये जो एग्रीकल्चर है, ये जो कृषि है, ये जब कोई कृषक पारिवारिक पारंपरिक रूप से जब कोई भी कृषक पारंपरिक रूप से निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी और अधिकाधिक पारिवारिक श्रम का उपयोग करके अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यदि कृषि करता है, तो उसको बोलते हैं निर्वाह कृषि। आप सभी समझ गए होंगे निर्वाह कृषि के बारे में, कि जब कोई भी कृषक पारंपरिक रूप से निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके और अधिकाधिक पारिवारिक श्रम का उपयोग करके अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कृषि करता है, तो उसको निर्वाह कृषि बोलते हैं। निर्वाह कृषि को दो भागों में विभाजित किया जाता है, पहला गहन निर्वाह कृषि और दूसरा आदिम निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि और दूसरा आदिम निर्वाह कृषि। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे कृषिगत फसलों का वर्गीकरण किया गया है इस बॉक्स में, किस फसलों में क्या क्या होता है। खाद्यान्न फसलें हैं चावल, गेहूं, मक्का, जौ, दाल आदि। नगदी फसलें हैं मसाले, तिलहन, फल, गन्ना, तंबाकू आदि। बागानी फसलें हैं कॉफ़ी, चाय, कोको, रबर, नारियल आदि। रेसेदार फसलें हैं कपास, जूट आदि। और जंतु उत्पाद हैं सिल्क, ऊन, मांस, दुग्ध उत्पाद आदि। बढ़ते हैं आगे। दूसरी जो विधि है कृषि की, कृषि को दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है, निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि। आगे बात करेंगे हम गहन निर्वाह कृषि के बारे में। गहन निर्वाह कृषि के बारे में अभी आपने जाना कि निर्वाह कृषि को भी दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। कृषि के तो दो प्रकार होते ही हैं, निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि। अब निर्वाह कृषि के भी दो प्रकार होते हैं, दो भाग होते हैं, गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि। तो गहन निर्वाह कृषि के बारे में सबसे पहले जानिए, जिसे इंग्लिश में इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर बोलते हैं, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। इसमें किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजारों की सहायता से अधिक परिश्रम करके कृषि करता है। इसमें भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। इस प्रकार की कृषि दक्षिणी, दक्षिणी पूर्वीय और पूर्वीय एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में अधिक प्रचलित है, ये जो कृषि है। आदिम निर्वाह कृषि, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर।
इनको भी पुनः दो वर्गों में विभाजित किया जाता है, आदिम निर्वाह कृषि को भी। इनका दो भाग है, पहला भाग है स्थानांतरणशील कृषि और दूसरा चलवासी पशुचारण। तो एक एक करके दोनों के बारे में समझेंगे। सबसे पहले शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, जिसको हिंदी में स्थानांतरणशील कृषि बोलते हैं। इसे झूम कृषि, कर्तन एवं दहन कृषि यानी स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर आदि नामों से जाना जाता है। इसमें वृक्षों को काटकर एवं जला करके भूखंड को साफ किया जाता है और राख को मृदा में मिलाकर उस भूखंड पर कृषि की जाती है, मिट्टी में मिलाकर के उस भूखंड पर कृषि की जाती है। जब मृदा में कार्बनिक तत्वों की कमी, निक्षालन यानी लीचिंग तथा वनस्पतियों के बार बार जलाने से भूमि की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है तो उस भूखंड को छोड़ दिया जाता है और कृषक नए भूखंड पर कर्तन एवं दहन की क्रिया द्वारा कृषि करता है। स्थानांतरशील कृषि अमेजन बेसिन के सघन वन क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों, अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया और उत्तर पूर्वी भारत के भागों में अधिक प्रचलित है। स्थानांतरशील कृषि को विश्व और भारत के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। तो स्थानांतर कृषि को विश्व और भारत के अलग अलग भागों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो ये विश्व के अलग अलग भाग हैं और ये अलग अलग नाम है स्थानांतर कृषि के, जिस नाम से जाना जाता है इस जगहों पर। मिल्पा मैक्सिको और मध्य अमेरिका में जाना जाता है, कोनुको वेनेजुएला में, रोका ब्राज़ील में, मसोले कॉन्गो एवं मध्य अफ्रीका में, लदांग इंडोनेशिया एवं मलेशिया में, रे वियतनाम में, तुंग्या म्यांमार में, चीना श्रीलंका में और कैंगिन फिलीपींस में। तो ये तो विश्व की बात हो गई, विश्व में अलग अलग देश हैं, अलग अलग स्थान में किस किस नाम से जाना जाता है। अब भारत के बारे में जानिए कि भारत में किस किस नाम से जाना जाता है स्थानांतरशील कृषि को। झूम कृषि उत्तर पूर्वी राज्यों में असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। बेवर या डहिया मध्य प्रदेश में, पोडू अथवा पेंडा आंध्र प्रदेश में, कुमारी पश्चिमी घाट में, कोमान अथवा पामाडाबी ओडिशा में, वालरे अथवा वाल्टरे दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में, खील हिमालयन क्षेत्र में, कुरुवा झारखंड में, पामलू मणिपुर में और दीपा किस राज्य में जाना जाता है दीपा नाम से, दीपा कृषि छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दीपा कृषि के नाम से जानते हैं। बढ़ते हैं आगे, चलवासी पशुचारण, इंग्लिश में नोमैडिक हर्डिंग बोलते हैं। चलवासी पशुचारण में पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। चलवासी पशुचारण सहारा के अर्ध शुष्क एवं शुष्क जलवायु प्रदेशों, मध्य एशिया और भारत के राजस्थान तथा जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों में अधिक प्रचलित है। वाणिज्यिक कृषि, अब आगे बात करते हैं वाणिज्यिक कृषि के बारे में। तो यह है कृषि का दूसरा प्रकार, जिसको इंग्लिश में कमर्शियल एग्रीकल्चर बोलते हैं, कमर्शियल एग्रीकल्चर। जब किसी फसल का उत्पादन बाजार में विक्रय के लिए किया जाता है तो उसको वाणिज्यिक कृषि कहते हैं। इसमें विस्तृत कृषि क्षेत्र पर अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है, साथ ही इसमें अधिक पूंजी का निवेश भी किया जाता है। वाणिज्यिक कृषि को मुख्यतः तीन वर्गों में विभाजित किया जाता है, वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और तीसरा रोपण कृषि। अब एक एक करके इन तीनों के बारे में, जो कि वाणिज्यिक कृषि के ही भाग हैं, इन तीनों के बारे में आप जानने वाले हैं। सबसे पहले कमर्शियल ग्रेन एग्रीकल्चर के बारे में, यानी वाणिज्यिक अनाज कृषि के बारे में बात करते हैं। जब किसी खाद्यान्न फसल का उत्पादन वाणिज्यिक उद्देश्य यानी बाजार में बेचने के लिए से किया जाता है, जब किसी खाद्यान्न फसल का उत्पादन वाणिज्यिक उद्देश्य से किया जाता है यानी बाजार में बेचने के लिए, तो उसको वाणिज्यिक अनाज कृषि कहते हैं। इसमें किसी एक ही फसल को एक विस्तृत कृषि भूखंड पर लगाया जाता है जैसे कि गेहूं, मक्का इत्यादि। इस प्रकार की कृषि के क्षेत्र यूरेशिया के स्टेपी, उत्तरी अमेरिका के प्रेयरी, अर्जेंटीना के पंपास,
दक्षिण अफ्रीका के वेल्ड, ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स एवं न्यूजीलैंड के किंटनबरी, न्यूजीलैंड के किंटरबरी मैदानों आदि में विस्तृत रूप से की जाती है। दूसरा, मिश्रित कृषि यानी मिक्स्ड एग्रीकल्चर। इसमें कृषि भूखंड का उपयोग कई कार्यों के लिए, जैसे भोजन के लिए फसल उगाने, चारे की फसलें उगाने और पशुपालन के लिए किया जाता है। इस कृषि में खेतों का आकार मध्यम होता है। इस प्रकार की कृषि पश्चिमी यूरोप, उत्तर पूर्वीय संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, न्यूजीलैंड, दक्षिण पूर्वीय ऑस्ट्रेलिया तथा दक्षिण अफ्रीका में अधिक होती है। तीसरा, रोपण कृषि यानी प्लांटेशन एग्रीकल्चर। इसमें बड़े पैमाने पर श्रम एवं पूंजी के साथ साथ परिवहन जाल के विकास की भी अनिवार्यता होती है। इस प्रकार की कृषि मुख्यतः विश्व के उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में की जाती है। रोपण कृषि में चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला, कपास एवं गन्ना आदि की एकल फसलें प्रमुखता से उगाई जाती हैं। रोपण कृषि उद्योग और कृषि के बीच एक अंतरापृष्ठ यानी इंटरफेस है। इससे प्राप्त उत्पाद उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयोग होते हैं। रोपण कृषि जो है ये उद्योग और कृषि के बीच एक इंटरफेस होता है। इससे प्राप्त उत्पाद उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। अब आगे इस बॉक्स में जाने ये कृषि संबंधी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है ये, और ये उसका मुख्यालय है यानी हेडक्वार्टर है। FAO यानी खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय रोम में है, इटली के रोम में। अंतर्राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान केंद्र यानी CIFOR का मुख्यालय बोगोर में है, इंडोनेशिया के बोगोर में। विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान यानी IRRI का मुख्यालय फिलीपींस के मनीला में। अब आगे बात करते हैं कृषि के अन्य प्रकार के बारे में जानेंगे। कृषि का अन्य प्रकार है जैसे गहन कृषि यानी इंटेंसिव एग्रीकल्चर। जब कृषि भूमि की प्रत्येक इकाई पर अधिक मात्रा में पूंजी एवं श्रम का उपयोग करके एक निश्चित समयावधि में फसलों का अधिकतम संभव उत्पादन किया जाता है तो उसको गहन कृषि कहते हैं। इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में अधिक होती है जहाँ पे कृषि भूमि की उपलब्धता कम और जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। गहन कृषि में रासायनिक उर्वरकों, उन्नत बीजों, कीटनाशक दवाओं, सिंचाई, फसल परिवर्तन आदि की अधिक आवश्यकता पड़ती है। पशुपालन कृषि यानी रैंचिंग। जब किसी प्राकृतिक वनस्पति क्षेत्र पर विभिन्न प्रकार के पशुओं को चराया जाता है तो उसको पशुपालन कृषि कहते हैं। इस कृषि में फसलों का उत्पादन नहीं किया जाता है। पशुपालन कृषि अधिकांशतः उन देशों में की जाती है जहाँ पे प्राकृतिक चारागाहों की अनुकूलतम स्थिति होती है। पशुपालन कृषि मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, तिब्बत तथा भारत के पर्वतीय या पठारी क्षेत्रों में अधिक की जाती है। अगला जो कृषि है वो है सहकारी कृषि यानी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर। इस पद्धति में किसान परस्पर लाभ के उद्देश्य से स्वेच्छापूर्वक अपनी भूमि, श्रम और पूंजी को एकत्रित करके सामूहिक रूप से खेती करते हैं। इसका उद्देश्य खेती के छोटे व बिखरे होने की समस्या का समाधान तथा उपविभाजन से जनित समस्याओं का निराकरण कर किसान, श्रमिकों और छोटे किसानों के साथ न्याय करना है। इसके अलावा संविदा कृषि, निगमित कृषि, जीरो फार्मिंग आदि अन्य महत्वपूर्ण कृषि के प्रकार हैं। बढ़ते हैं आगे, कृषि विधि एवं तकनीक के बारे में जानिए। कृषि की विधियां और कौन कौन सी तकनीकें यूज की जाती हैं। सबसे पहले परती छोड़ना मतलब एक ही कृषि भूखंड पर लगातार कृषि करने से मिट्टी की उर्वरता घट जाती है। मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए कृषि भूखंड को कुछ समय या फिर अवधि, सामान्यतः 3 से 4 वर्षों तक के लिए खाली खाली यानी परती छोड़ दिया जाता है। परती मतलब खाली, खाली छोड़ दिया जाता है ताकि भूमि अपनी प्राकृतिक उर्वरता को फिर से प्राप्त कर सके। चक्रीय कृषि,
कृषि भूखंड को परती छोड़ने यानी खाली छोड़ने के बजाय जब उस पर विभिन्न फसलें चक्रीय क्रम में उगाई जाती है तो उसको चक्रीय कृषि बोलते हैं। चक्रीय कृषि से मिट्टी की उर्वरता तथा पोषक तत्वों की कमी नहीं होती है और मिट्टी में पोषक तत्वों का संतुलन बना रहता है। चक्रीय कृषि में फलीदार पौधों मुख्यतः दलहनी फसलों को प्रमुखता से उगाया जाता है क्योंकि इनके द्वारा मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता रहता है। ठीक है, मिश्रित शस्यन यानी मिश्रित कृषि में किसी एक ही कृषि भूखंड पर विभिन्न प्रकार की फसलों को मिश्रित करके उगाया जाता है ताकि एक फसल के द्वारा पोषक तत्वों का उपयोग और दूसरे द्वारा उत्पादन होता रहे। इससे मिट्टी में पोषक तत्वों का संतुलन बना रहता है। मिश्रित कृषि में कृषि क्रियाओं के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है। द्विफसली कृषि इसमें चक्रीय विधि द्वारा एक ही वर्ष में दो फसलों का उत्पादन किया जाता है। द्विफसली कृषि में इस विधि में एक ही साल में दो फसलों का उत्पादन किया जाता है। द्विफसली कृषि का उद्देश्य मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखना होता है, इसीलिए इसमें एक फसल नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाली होती है। ऐसी कृषि पर्याप्त सिंचाई वाले या वर्षा वाले क्षेत्रों में होती है। अब यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है, युग्म पैदावार का आशय विभिन्न मौसमों में दो फसल उत्पादन से है। रिले कृषि, ये जो विधि है कृषि की, इसके अंतर्गत पहली फसल को काटने से पूर्व ही इसके मध्य उपस्थित रिक्त स्थानों में यानी खाली जो जगह है उसमें दूसरी फसल लगा दी जाती है और पहली फसल के काटने का इंतजार नहीं किया जाता जैसा कि द्विफसली पद्धति में किया जाता है। बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे कुछ प्रमुख फसलों का संक्षिप्त विवरण दिया हुआ है यानी किस फसल के लिए, जैसे कि धान के लिए, गेहूं के लिए, मक्का के लिए, जौ के लिए, बाजरा के लिए, कैसा जलवायु प्रदेश होना चाहिए, तापमान यानी टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, वर्षा कितने सेंटीमीटर होना चाहिए, मिट्टी कैसी होनी चाहिए, उन सारी चीज़ों के बारे में आप इस चार्ट में पढ़ने वाले हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले धान के बारे में बात करते हैं। धान को कैसे जलवायु प्रदेश की आवश्यकता होती है, मानसूनी जलवायु प्रदेश की आवश्यकता होती है, जैसे चीन तुल्य उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु। धान की खेती के लिए मानसूनी चीन तुल्य उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। तापमान की बात करें तो धान की खेती के लिए 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर होना चाहिए। वर्षा की बात करें यानी प्रेसिपिटेशन, तो 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है धान की खेती के लिए। मिट्टी यानी सॉइल कैसा होना चाहिए धान की खेती के लिए, भारी और दोमट मिट्टी में धान की खेती होती है। और उच्चावच यानी टोपोग्राफी कैसी होनी चाहिए चावल की खेती के लिए, तो समतल मैदानी क्षेत्र होना चाहिए, भूमि पर जल का भराव हो लेकिन शांत जल हानिकारक, इसलिए नदी बेसिन के समीप जलोढ़क मिट्टी में होती है धान की खेती। और इसकी विशेषताएं कैसी कैसी होनी चाहिए, ये श्रम प्रधान है, जीवन निर्वहन है और गहन कृषि है। तो ये तो धान के बारे में आप जाने कि कैसा जलवायु प्रदेश चाहिए, कैसा तापमान होना चाहिए, वर्षा कैसी होनी चाहिए, मिट्टी कैसा होना चाहिए। अब बात करते हैं गेहूं के बारे में। तो गेहूं को जिस क्लाइमेटिक रीजन की आवश्यकता होती है वो है स्टेपी तुल्य यानी शीतोष्ण कटिबंधीय स्टेपी तुल्य। और तापमान की बात करें गेहूं की खेती के लिए तो आरंभ में 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस और बाद में 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस। गेहूं की खेती के लिए शुरुआती दौर में 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 15 डिग्री सेल्सियस और बाद में 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। और वर्षा गेहूं की खेती के लिए 50 से 75 सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है। मिट्टी कैसी होनी चाहिए, तो मिट्टी चरनोजम होनी चाहिए। गेहूँ की खेती के लिए मिट्टी चरनोजम हल्की दोमट मिट्टी और क्षारीय मिट्टी लेकिन ह्यूमस की अधिकता होनी चाहिए।
और उच्चावच यानी टोपोग्राफी की बात करें तो गेहूं की खेती के लिए ढलान युक्त मैदानी भूमि यानी जल का भराव नहीं होना चाहिए। गेहूं की विशेषताएं हैं कि ये प्रारंभिक समय में शीत ऋतु जबकि पकने के समय में खिली धूप आवश्यक है। तो अब बात करते हैं मैजे यानी मक्का के बारे में। मक्का की जलवायु के बारे में बात करें कि मक्का को कैसे क्लाइमेटिक रीजन की आवश्यकता होती है, तो 114 दिन पाला रहित होना आवश्यक है मक्का की खेती के लिए। तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए। वर्षा 60 से 70 सेंटीमीटर, जो कि अपेक्षाकृत कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी उपजाया जा सकता है मक्का को। मक्का को 60 से 70 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है, लेकिन अपेक्षाकृत कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी उपजाया जा सकता है। मक्का की खेती के लिए पुरानी जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी। मक्का की विशेषताएं हैं कि ये खाद्यान्न, चारा और अल्कोहल पदार्थ के अलावा बायोडीजल के निर्माण में भी उपयोगी है। मक्का के बाद आते हैं बारले यानी जौ के बारे में। जौ प्रतिकूल जलवायु दशाओं में भी जौ की खेती संभव है। जौ की खेती के लिए 10 डिग्री सेल्सियस से 18 डिग्री सेल्सियस तापमान आवश्यक है। तापमान के प्रति प्रतिरोधी है। 10 डिग्री सेल्सियस से 18 डिग्री सेल्सियस यानी तापमान के प्रति प्रतिरोधी है। और वर्षा की 50 से 75 सेंटीमीटर आवश्यकता होती है वर्षा की जौ की खेती के लिए, सामान्यतः एक शुष्क फसल के रूप में। मिट्टी कैसी होनी चाहिए जौ की खेती के लिए? लगभग हर प्रकार की मिट्टी में उत्पादन संभव होता है जौ का। जौ की विशेषताएं हैं कि पशुओं और मनुष्यों दोनों के भोजन का स्रोत है जौ। बियर विस्की बनाने में भी उपयोगी होता है जौ। जौ के बाद बाजरा के बारे में बात करते हैं। बाजरा गर्म एवं शुष्क जलवायु में खेती होती है बाजरा की। इसको 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। 40 से 50 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। और बाजरे की खेती के लिए हल्की बलुई मिट्टी होनी चाहिए और छिछली काली व लाल मिट्टी होनी चाहिए। बाजरा की विशेषताएं हैं कि उत्तरी भारत में ये खरीफ की फसल है। बाजरा उत्तरी भारत में खरीफ की फसल है। तो ये तो प्रमुख फसलों के बारे में बात हुई। आगे बात करेंगे कपास, जूट, प्राकृतिक रबर, तंबाकू और नारियल के बारे में। कपास की खेती यानी कॉटन के लिए औसत वार्षिक वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तापमान चाहिए कपास की खेती के लिए 20 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस। 210 दिन पाला व ओला रहित स्वच्छ आकाश, तेज व चमकदार धूप होनी चाहिए कपास की खेती के लिए। कपास की खेती के लिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए? काली मिट्टी जलोढ़ एवं लाल मिट्टी। कपास की विशेषताएं हैं कि ये सूती वस्त्र उद्योग का आधार है। मालवेसी कुल का पौधा जिसकी मुख्यतः दो प्रमुख प्रजातियां होती हैं, छोटे रेशे वाली देशी कपास, लंबे रेशे वाली अमेरिकन कपास। एक नोट है, अमेरिकन कपास को देश के उत्तर पश्चिमी भाग में नरमा कहा जाता है। अमेरिकन कपास को देश के उत्तर पश्चिमी भाग में नरमा कहा जाता है। जूट को कितने औसत वार्षिक वर्षा होनी चाहिए जूट की खेती के लिए? 160 से 200 सेंटीमीटर या अधिक भी चलेगा। तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए जूट की खेती के लिए। मिट्टी जूट की खेती के लिए दोमट व नदियों की कछारी मिट्टी चाहिए। जूट की विशेषताएं हैं बोरे, रस्सियां, कालीन, दरी आदि के निर्माण में जूट का यूज़ किया जाता है। स्वच्छ जल और सस्ता श्रम आवश्यक है। जूट के बाद आते हैं प्राकृतिक रबर यानी नेचुरल रबर के बारे में। नेचुरल रबड़ के लिए औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक चाहिए। तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक। विषुवत रेखीय उष्णकटिबंधीय जलवायु। मिट्टी लाल लैटराइट जलोढ़ मिट्टी। इसकी विशेषताएं हैं प्राकृतिक रबर की कि ये टायर के लिए यूज़ किया जाता है, ट्यूब बनाने में उपयोगी होता है, ढाल प्रवणता तथा सस्ता श्रम आवश्यक। मूल स्थान अमेजन बेसिन है। नेचुरल रबड़ का मूल स्थान जो है अमेजन बेसिन है।
और ये सस्ता श्रम के लिए आवश्यक होता है। तंबाकू, तंबाकू को 50 से 125 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा चाहिए। तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए। मिट्टी बलुई, बलुई दोमट मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। तंबाकू की खेती के लिए बलुई दोमट मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी की आवश्यकता होती है। तंबाकू का प्रयोग सिगरेट व बीड़ी उद्योग में बीड़ी उद्योग में प्रमुख रूप से किया जाता है यूज़, और इसका मूल स्थान अमेरिका को माना जाता है। आर्द्र वातावरण तथा नियमित लेकिन हल्की सिंचाई अधिक उपयुक्त होती है तंबाकू की खेती के लिए। नारियल, नारियल को औसत वार्षिक वर्षा 150 सेंटीमीटर से अधिक चाहिए। 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। बलुई दोमट मिट्टी, लैटराइट मिट्टी आवश्यक है नारियल की खेती के लिए। नारियल एक बहुवर्षीय एवं एक बीजपत्री पौधा है। बढ़ते हैं आगे, गन्ना, आगे बात करेंगे गन्ना, चाय, कहवा, मूंगफली और सरसों के बारे में कि इनको कैसा वर्षा होना चाहिए, तापमान कैसा चाहिए, मिट्टी कैसी चाहिए और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, यानी क्या क्या यूज होता है इसका। तो गन्ना के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले सुगर केन, गन्ना को 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए। तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए। उष्णकटिबंधीय पौधा है ये गन्ना। मिट्टी दोमट मिट्टी, काली मिट्टी, बलुई मिट्टी में इसकी खेती की जा सकती है। श्रम गहन कृषि, अतः सस्ता श्रम अनिवार्य है गन्ना के लिए। ये पूरे वर्ष की फसल होती है। चाय को 150 से 250 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा चाहिए, औसत वार्षिक वर्षा, लेकिन जाड़ों में पानी नहीं जमना चाहिए चाय की खेती के लिए। तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। मिट्टी उच्च ह्यूमस युक्त अम्लीय मिट्टी और दोमट मिट्टी में चाय की खेती की जा सकती है। पहाड़ी ढलानों पर अधिक उपयुक्त होता है चाय। श्रमिकों की बहुलता अनिवार्य है। उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु दोनों में चाय की खेती संभव है। कहवा को 150 से 250 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा चाहिए। 16 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस तक तापमान होना चाहिए। ये उष्णकटिबंधीय गर्म और आर्द्र जलवायु अनिवार्य होता है इसके लिए। दोमट मिट्टी और ढलवा पर्वतीय धरातल मिट्टी की आवश्यकता है कहवा खेती के लिए। कॉफ़ी की कई किस्मों में अरेबिका सर्वोत्तम होती है, जो कि सऊदी अरब, पूर्वी अफ्रीका, यमन आदि क्षेत्रों में उपजाई जाती है। भारत में मुख्यतः अरेबिका तथा रोबस्टा कॉफ़ी का उत्पादन होता है। अरेबिका और रोबस्टा कॉफ़ी का उत्पादन भारत में होता है। मूंगफली को 75 से 150 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा की आवश्यकता है। 15 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक तापमान होना चाहिए। हल्की बलुई दोमट मिट्टी में मूंगफली की खेती की जाती है। भारत की प्रमुख तिलहन फसल है मूंगफली। सरसों की खेती के लिए 75 से 100 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा होनी चाहिए। 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक इसका तापमान चाहिए इसकी खेती के लिए। और दो उपजाऊ दोमट मिट्टी में सरसों की खेती होनी चाहिए, होती है। उत्तरी भारत की प्रमुख तिलहन फसल है सरसों। उत्तरी भारत की प्रमुख तिलहन फसल है सरसों। और इसके साथ ही हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। और विश्व की खेती का जितना भी बेसिक पार्ट है वो मैंने इस सेशन में कवर कर दिया है, और फिर करेंट अफेयर मैं इसके लिए लेकर के आऊँगी। तो मिलते हैं अगले सेशन में। वीडियो यूज़फुल है तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर से करिएगा।